आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेला। इसे मैंने मेरे तरीके से तैयार किया है, तो देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं भरवा करेला। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 5 छोटे साइज के करेले ले लिए हैं। इन्हें मैंने साफ करके इसके अंदर का बीज निकाल लिया है। आधा कटोरी मूंगफली जिसे मैंने पहले भून लिया है, हमें इसमें भुने हुए मूंगफली का ही यूज करना है। आधा कटोरी नारियल जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 4 से 5 लहसुन के टुकड़े, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ले लेना है। एक प्लेट में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को हम करेले के अंदर लगा लेंगे। अब करेलों को हमें स्टीम कर लेना है। स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें हमें थोड़ा पानी डाल देना है और उसके अंदर हमें स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड के ऊपर हमें पानी से भरा हुआ बर्तन रख लेना है और इस बर्तन के ऊपर हमें एक जाली रख लेनी है और जाली के ऊपर हम करेला रख देंगे और बर्तन को कवर करके हम इसे 10 मिनट तक स्टीम करने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो स्टीमर या कुकर का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप कुकर का यूज करते हो तो कुकर में से सीटी आपको निकाल लेनी है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। जब तक करेला स्टीम होता है हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें मिक्सर में भुने हुए सेंगदाने, नारियल, लहसुन, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने करेलों को स्टीम करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया है, और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे दरदरा पीस लेना है। आप देख सकते हैं सभी चीजें पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन बनाए हुए मसालों में हमें धनिया मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा पानी मिला देंगे ताकि हमारा ये मसाला थोड़ा थिक हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चाकू डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए चाकू क्लियरली बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमारे करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। हमें करेलों को 10 मिनट तक स्टीम करना है। अगर हम ज़्यादा स्टीम करेंगे तो करेले हमारे नरम हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें 2 बार पानी से धो लेंगे। ऐसा करने से करेले का कड़वापन निकल जाता है। ज्यादा तो लोग करेला खाना पसंद नहीं करते। यदि आप इस तरह से बनाओगे तो करेले आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। एक बार पानी से हमने धो लिया है, अब हम दूसरी बार धोएंगे। दूसरी बार भी हमने धो लिया है अच्छे से और अब इन मसालों को हमें करेले के अंदर अच्छे से भर लेना है। करेले हमारे भर के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे धागे से बांध लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त मसाले हमारे बाहर ना निकले। मैंने इसे बांधने के लिए काले धागे का यूज किया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप हरा धागा ना लें, क्योंकि तलने के बाद हमें वो धागा प्रॉपरली दिखेगा नहीं। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 4 छोटे चम्मच तेल डाल दिए हैं और इसे गर्म करने के लिए रखा है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें करेले डाल देंगे। यदि आपको ज्यादा तेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। चाकू से हमें इसे बीच बीच में टर्न करते रहना है ताकि करेले सभी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए धागा बांधने से हमारे मसाले बाहर नहीं आते। आप एक बार इसी तरह भरवा करेला बनाइए, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। न खाने वाले भी इसे खाना पसंद करेंगे और इसे आप बार बार बनाना चाहोगे तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताइए कि ये आप लोगों को कैसे लगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमारा भरवा करेला पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। हमें पैन को कुछ देर क्रॉस करके रखना है ताकि करेलों में लगा हुआ तेल अच्छे से निकल जाए। करेलों में से तेल पूरी तरह से निकल गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
हम करेले में बांधा हुआ धागा निकाल लेंगे। भरवा करेला हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपने देखा, इसे मैंने अलग ही तरीके से बनाया है। मुझे यकीन है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।